आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं आपके साथ जितेंद्र कुमार, आज मैं बोधगया यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। यहां पे जाति भेदभाव के द्वारा कुछ कर्मचारियों को यहां पर जो है पद प्रोन्नति नहीं किया जाता है और ये पूरा परिवार के साथ जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं यहां पे। तो आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ। दो हज़ार सात में जो प्रोन्नति दी गई है उसमें बहुत अनियमितता बढ़ा। जूनियर लोगों को कलिए जो थे उस वक्त को प्रोन्नति दे दिया गया। जो वरीयता सूची है विश्वविद्यालय का नियुक्ति के अनुरूप, उसको अनदेखी घोर अनदेखी किया गया है। और इसके पीछे वजह दो चीज़ है, यहाँ जात पात और पैसा। हम लोग दोनों में सक्षम नहीं थे, इसलिए हम लोग को छोड़ दिया गया। और आज 15 साल से प्रताड़ित करते हुए हम लोग को अपमानित किया जा रहा है। आपका मेन इसमें क्या जैसे योगदान था, कुलपति के द्वारा आप लोग को धमकाया गया था, ये किस योगदान धमकाया गया? पहले भी कुलपतियों ने सारा हम लोग के बात को सुन करके जांच कमेटी पर गठित कर हम लोग के मांग पर ध्यान दिया गया कुलपतियों का। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो कुलपति है, हम लोग एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जो कागज प्रस्तुत कर रहे हैं उसको फाड़ के फेंक रहा है। नहीं तो जो कर्मचारी है स्थापना के, उस वो हम लोग के कागज को ऊपर उच्च अधिकारी तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का अर्थात ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को पूर्ण रूप से पहुँचने के यहाँ पे पूरा पूरा विश्वविद्यालय पतन की ओर जा रहा है, बर्बादी के कगार पर पहुँचा है। न यहाँ ढंग से शिक्षण है, न व्यवस्था है, उसी का शिकार हम लोग हैं। 15 साल से प्रताड़ित हो गए। आप लोग कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को धरना प्रदर्शन साथ में जो निमित्तता किया गया उसी समय से हम लोग धरना पर आए। आप सैकड़ों बार ये 7 बार तो महामहिम कुलाधिपति को पत्र दे करके हम लोग धरना पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी ये हम लोग समस्या सुनने के बजाय कुलपति और रजिस्ट्रार जो हैं कि हम लोग को वेतन रोक दिया, सुनता नहीं है। हम लोग कागज देते हैं, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, आप लोग मुद्दा के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग का वेतन रोक दिया गया। हाँ, बहुत वेतन रोक दिया। वो अपना मनमौज से किया? हाँ, मनमौज से। पहले भी कुलपति हम लोग को जांच कमेटी बना दी, जांच कमेटी रिपोर्ट हम लोग को फेवर में दिया, लीगल ओपिनियन मांगा गया कि लीगल ओपिनियन क्या है। तो एक अधिक लगा देता है काम कि परमिशन नहीं है। परमिशन के जो हम कागज दे रहे हैं तो उसको देखता नहीं है। ये इतना क्या नाम है कुलपति का? क्या नाम? कुलपति जवाहरलाल प्रसाद हैं या सिंह जो भी हैं, यहाँ तो बैठते नहीं हैं। योगदान करने के बाद आज तक विश्वविद्यालय में आए नहीं। आज तक कोई मतलब कुलपति के पद पर ज्वाइन करने के बाद आज तक कार्यालय में नहीं आए हैं, नहीं बैठे हैं। उनका काम का विश्वविद्यालय कैसे चलता है ये तो यहाँ के छात्र जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि जो बर्बादी के इतिहास से लोग लिख रहे हैं। क्या कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे कि इंक्वायरी बैठवाना चाहते हैं, क्या? हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, सीबीआई जांच करवा। हाँ, स्थापना शाखा में कर्मचारियों के जो भी हुआ है, 4 विश्वविद्यालय के 4 अधिकारी जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, गबन के आरोप में। तो उससे ज़्यादा घपला हो रहा है स्थापना में, कुर्सी पर प्रत्येक कुर्सी पर ट्रांसफर करने के लिए। आप लोग 15 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं, काम उसके अनुसार आपने मगध विश्वविद्यालय में क्या कुछ दिखा है भ्रष्टाचारी के रूप में, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? बिना डिग्री के लिए यहाँ हम लोग जब से धरना पर बैठे हुए 3 महीना से बैठे हुए हैं, कोई ऐसा दिन है जिस दिन 50 को विद्यार्थी रो करके नहीं जाता होगा। इसलिए कि पैसा नहीं दे दिया है और कोई अधिकारी नहीं है, कहता कि फिर अगले बार आना, अगले बार आना। इतना परेशान किया जाता है कि दौड़ते दौड़ते उनको खाना। क्या आप लोग का क्या स्टेटमेंट, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वरीयता सूची जो हम लोग को ग्रेजुएशन जो बना है उसको अनुपालन एकदम नहीं किया गया, और साथ में से ही जो है कि हम लोग को प्रोन्नति छोड़ दिया गया। हम जूनियर लोग को दे दिया, और जूनियर लोग को दिया तो 4 बार अब तक दे चुका है, हम लोग को जहीं है तहीं छोड़ दिया है।
समझे कि नहीं, जांच समिति का जांच रिपोर्ट को मानने ला तैयार नहीं है कि जांच समिति पहले भी कुलपति बनाए थे और वो चले गए तो चले गए, सारा खत्म हो गया, अब हम नहीं देंगे उसको, समझे कि नहीं। और 2019 में जो परीक्षा लिया गया था उन्नति के लिए उसमें हम लोग पास हैं, तो हम लोग का कहता है कि परीक्षा में पास हो गए तो क्या होगा, आपको एस सी की दे देते हैं, एन सी की दे देते हैं, और परीक्षा पास हो परीक्षा पास उन्नति नहीं थी, नहीं जो फेल था उसको प्रशाखा पदाधिकारी क्या जो साटा हुआ है यहाँ देखिए जो रिजल्ट उसका साटा हुआ है फेल का, और प्रशाखा पदाधिकारी और अनुकंपा है, अनुकंपा कैसी प्रमोशन है, ये पूरा योगदान अक्षय कुमार जो है चुकी स्थापना में नियुक्ति काल से आज तक उचित के गुण पर बैठा हुआ है, वही प्रशाखा पदाधिकारी बना और जांच रिपोर्ट को सारा चीज को घुमा दे रहा है, उसका सीधा आपके सामने हम लोग को कागज पहुँचने नहीं पड़ा, ऐसे चार पांच कर्मचारी ये वो जो है कि मिश्रा जी उत्तम कुमार रमन कुमार निशा तिर्की संतानंद मिश्रा ये स्थापना के बाहुबली बाहुबली बिना पैसा के एक पता नहीं है, आपसे बात नहीं करेंगे हम इतना बात करो पैसा हाँ 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 कुछ भी करेगा तो पी ए का आई सामने जो पी ए था जो जेल गया है वो हम लोग उसका नियुक्ति 2008 में और उसका प्रमोशन 84 में और 8 में प्रमोशन हो गया 80 में और पी ए टू भाई सांसद बन गया, ये सोच लीजिए अब 81-20 वर्ष सीनियर जो आदमी थे 20 वर्ष का 28 वर्ष दिनचर्या लिपिक के दिनचर्या लिपिक है आज तक, और वो जो चपरासी में बहाली हुआ था 2008 में वो पी एड वाइस चांसलर बन गया, तीन प्रमोशन ले लेते हैं, चपरासी वाइस चांसलर बन गया, वाइस चांसलर नहीं बन वाइस चांसलर के पी ए बन गए, पी ए बन गए, हाँ तीन प्रमोशन चार प्रमोशन देते हैं जो हम लोग यहीं के कहीं हम लोग बेहतर रोक दिया है कि काहे मांगता तू, तो इसमें क्या काम हो सकता है जैसे आपको काम क्या है कि इसमें सीबीआई आके जांच कर दे, हम लोग को दूध के दूध और पानी के पानी कर दे कि हम लोग को क्या है, हम क्यों बैठे हुए हैं परिवार के साथ क्यों बैठे हुए हैं, कोई शौक है हम लोग को काम करने के लिए टेबल मिलता है हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के क्या पहुँचे हुए हैं मगर फिर भी वेतन रोक देती तीन महीना से मैंने बाल बच्चा पोता पोती है सब कोई तक रोक सके कैसे रहा है वेतन रोके तो कोई अच्छी है ना हाँ मतलब वेतन रोके के वेतन मांग कर से मांग न पूरा करती मगर वेतन का है रोक देती हमके वेतन के चाहिए वह चलते हम मैंने धरना दे ली बाले बच्चे 11 तारीख से बैठा नहीं रखा पोता पोती सर के लेकर के कहाँ खाके जिए कहाँ पढ़ाई जाए लिखाई जाए आप लोग धरना प्रदर्शन जैसे ही करने बैठे आप लोग का वेतन शुरू हो गया हाँ पहले ही से मैंने 3 महीना से हो गया हाँ धरने पर से उछलाती है फिर कब से धरने रोक दे पदाधिकारी हम लोग की चिट्ठी को रिसीव करने से मना कर दिया है चिट्ठी नहीं आप लोग ने जब आप लोग पदाधिकारी से बात किए तो उनका क्या कहना है पदाधिकारी अपना सहायक को निर्देश दे दिया है कोई तरह के आवेदन देता है तो रिसीव नहीं कर रहा ये कुलपति का अधिकारी है कि कोई किसी को कुल सचिव रोक कर छात्र कल्याण अध्याय जिलों का कहना है कि चिट्ठी हम लोग कोई मतलब नहीं है हम लोग के आवेदन से हम लोग को मत क्या आपका स्टेटमेंट क्या 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 इसमें बताना है आपको कि हमको ये सब नहीं मांगे की जाए क्या हम लोग को मांग है कि न्याय के तहत जो मानवाधिकार आयोग भेज रहा है राज्यपाल भेज रहा है राज्यपाल सचिवालय से जो चिट्ठियाँ आती है उसके आलोक में ये लोग जांच करके हम उनसे जो कमी है पेपर का उसको मांगा जाए हम जानते हैं कि हम लोग का पेपर जो दे दिया गया है उसको फाड़ के फेंक देता है उच्चाधिकारी तक पहुँचने नहीं देता है तो हमसे मांगा जाए हम सारा पेपर देते हैं जो भी जवाब सवाल हमसे होगा हम उसके जवाब में पेपर देंगे अगर मेरा लिखित पेपर सही है तो हम लोग को मिलना चाहिए हम लोग को प्रोन्नति भी मिलनी चाहिए तो गलत आपके बारे में हम लोग को कहना है कि भुखमरी के कागार पर अब अंतिम है हम लोग 20 तारीख से आमरण अनशन पर जा रहे हैं परिवार सहित बैठे हुए हैं देख रहे हैं और हम लोग देख चुके हैं महामहिम को भी भेज चुके हैं लोकायुक्त को भेजे हैं सब जगह भेजे हैं जिलाधिकारी को दिए हैं कमिश्नर को दिए हैं सबको हम पेपर दे दिया है और हम लोग 20 तारीख से आमरण
बहुत शुक्रिया।